झारखंड से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में आज सुबह 10:30 बजे बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 2 मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। धमाके का कारण कोक प्लांट में गैस पाइपलाइन में वेल्डिंग कार में लीकेज होना भी बताया जा रहा है। आप तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बड़ी घटना हुई है। विस्फोट के सही कारणों की अभी पड़ताल चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कोक प्लांट की बैटरी में विस्फोट हुआ था। फिलहाल दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं और स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। टाटा स्टील ने अपनी तरफ से जारी बयान में कहा है कि इस घटना में 2 कर्मचारियों को चोटें आई हैं और 1 कर्मचारी ने सीने में दर्द की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कारण का आकलन करने के लिए जाँच चल रही है। इस घटना पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके कहा है कि जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में ब्लास्ट होने की खबर मिली है। जिला प्रशासन टाटा स्टील प्रबंधन के साथ सामंजस्य बनाकर घायलों के त्वरित इलाज हेतु कार्रवाई कर रही है।